उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरते समय विषय चयन को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। भले ही विषय चयन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि विषय के चयन को कैसे करें, कहीं गलती ना हो जाए और बाद में इस भर्ती प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाए, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो इस वीडियो में आपको ऐसा आदेश दिखाने वाले हैं, उस आदेश के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस विषय का चयन करना है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है, पिछली जो भर्ती हुई थी वो उस भर्ती में भी ऐसा हुआ था कि अलग अलग विषय की अलग अलग मेरिट बनी थी। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा कि जैसे कि गणित है, विज्ञान विषय है, तो इन सभी की अलग अलग मेरिट बनेगी और उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो कहीं गलत विषय आप ना चयन करें, इसलिए हम आपको ये आदेश दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जूनियर एडेड वाले एक बार इस लेटर को ध्यान से पढ़ लीजिए, सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। औरैया ज़िले में 2018 में जूनियर हाई स्कूल में दो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया था, जिसमें योग्यता में स्पष्ट लिखा है कि संबंधित विषय में स्नातक जरूरी है। इसलिए जूनियर एडेड फॉर्म भरते समय इसका जरूर ध्यान रखें और सारा कन्फ्यूज़न दूर करें। ये एक पोस्ट अभ्यर्थी की है, जहाँ पर यह लेटर जो यहाँ पर हुआ था वो महालक्ष्मी महाविद्यालय यहाँ पर पूर्वा औरैया का यह लेटर है, 7/10/2018 का, जहाँ पर जूनियर एडेड जो शिक्षक भर्ती है उसके तहत यहाँ पर दो पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, सहायक अध्यापक का। तो यहाँ पर कहा गया है साफ तौर पर कि हिंदी भाषा का एक पद है और एक सामाजिक विषय का पद है। योग्यता संबंधी विषय में स्नातक, यानी कि अगर आप हिंदी विषय के लिए भर रहे हैं तो हिंदी विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, सामाजिक विषय भर रहे हैं तो सामाजिक विषय में स्नातक होना चाहिए। साथ में बीएड टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, इस लेटर में ऐसा अपडेट किया गया है। तो अब यहाँ इस लेटर के अनुसार आपका ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए शाइन वगैरह भी है, ये ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब आज पीएनपी में अभ्यर्थियों ने वार्ता की है अधिकारियों से, तो अधिकारियों का कहना है कि आप कोई भी विषय का चयन कर सकते हैं, यहाँ पर ये कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप आर्ट साइड के हैं तो साइंस साइड नहीं सेलेक्ट कर सकते, या आप जीव विज्ञान के हैं तो आप गणित नहीं सेलेक्ट कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा है कि आप जीव विज्ञान लिए हुए हैं स्नातक में, लेकिन आप गणित सेलेक्ट कर सकते, तो अधिकारियों का यह कहना है। अब इसमें सच क्या है ये आपको आगे चलकर ही पता चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग विषय की अलग अलग मेरिट है। अगर आप जीव विज्ञान लेकर गणित सेलेक्ट करते हैं और गणित की परीक्षा आपको देनी पड़ती है, जीव विज्ञान के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो आप किस प्रकार से उन गणित के सवालों को हल करेंगे? ऐसे आपको मेरिट जो आपके नंबर है वो कम हो जाएंगे और आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे, याद रखिए। क्योंकि जो यहाँ पर सुपर टेट होना है इसका, उसके भी 60% अंक जोड़े जाएंगे प्लस एकेडमिक, उसके आधार पर मेरिट बनेगी। तो ये जो परीक्षा होगी इसके अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो आप ध्यान रखिए किस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। और ये अपडेट थी, उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।